मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई मां, और अली अकबर नहीं आए, तड़पती रह गई मां, और अली अकबर नहीं आए, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई मां, और अली अकबर नहीं आए, मुसीबत की घड़ी गुजर जाना ही लिखा है जवानी में, अगर यारा गुजर जाना ही लिखा है जवानी में, अगर यारा गुजरने से अली अकबर के पहले माँ गुजर जाए, मुसीबत की घड़ी जवां की लाश पीरी में उठाना एक खयामत है, जवां लाश पीरी में उठाना एक खयामत है, ये दिन अल्लाह दुनिया में किसी को भी न दिखलाए, मुसीबत की घड़ी संभल कर खींचिएगा कलब के बर से सिना मौला, संभल कर खींचिएगा कलब अकबर से सिना मौला, उलझ कर नौके नैजा में जिगर बाहर ना जाए, मुसीबत की घड़ी जमी थर्रा गई अकबर का लाशा रख के रेती पर, जमी थर्रा गई अकबर का लाशा रख के रेती पर,
हुसैन इब्ने अली जब शुक्र का सजदा बजा लाए मुसीबत की घड़ी। मैं जाकिर हूँ हुसैन इब्ने अली हुसैन इब्ने अली का ये दुआ कीजे शरफ ये नस्ल से मेरी खयामत तक नहीं जाए मुसीबत की घड़ी। तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए मुसीबत की घड़ी। खाकर सिना जो सीने पा अकबर गुजर गए बोले हुसैन ए माए अनवर किधर गए पीरी में घर हुसैन का बर्बाद कर गए जख्म जिगर से तो शफ़क़े खून में भर गए गम से ये हाल के बहुत बेकरार हूँ आवाज दो के आन के तुम पर निसार हो खा कर सिना ए जालिमो गरीब बेदयार हो भूले हो क्यों रसूल का मैं यादगार हूँ लिल्लाह मुझ पर करो बेखरार हूँ बेटा जवान मर गया मैं सोगवार हूँ फिर देख लो मैं अपने सादत नशान को बरछी कहाँ लगी मेरे कड़ियल जवान को खा कर सिना। फातिहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरसिये के चंद बन चूँकि आज 6 तारीख है अली अकबर सलाम के मरसिये। दश्ते बला में घूम ली अकबर की लाश है दश्ते बला में घूम ली अकबर की लाश है
दस्ते बला में गुमली अकबर की लाश है फरजंद फातिमा को पिसर की तलाश है दागे जिगर को नाखुने गम की खराश है संगे अलम से शीशे दिल पाश पाश है बानों को गश ले हराम दर है पिसर की घर में सदाए बुलंद है पिसर की घर में सदाए बुलंद चिल्लाते है के बाप के प्यारे किधर गए ए नूर चश्म आँखों के तारे किधर गए ए मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए पहुँचा के मुझको गोर कनारे किधर गए अंधेर है अगर न तुम्हें पाएगा पिता आवा दोगे तुम तो चलाएगा पिता आवा दोगे तुम तो चलाएगा पिता किस जाप तुम पढ़े हो बताओ पिदर निसार आवाज हमको अपनी सुनाओ पिदर निसार हम गिर पड़े हैं आके उठाओ पिदर निसार छाती से फिर पिदर को लगाओ पिदर निसार रुखसत है अपने घर को जरा देखवालो राशा गए हाथ पाओ में अकबर संभालो राशा गए हाथ पाओ में अकबर संभालो अब हाथ भी पकड़ के उठाता नहीं कोई रोने पर मेरे रहम भी खाता नहीं कोई यूसुफ की मेरे शक्ल दिखाता नहीं कोई बेटा तुम्हारी लाश बेटा तुम्हारी लाश बताता नहीं कोई हालत हमारी काहे को देखी है आपने तुमको ख्याल होगा खबर ली ना आपने तुमको ख्याल होगा खबर ली ना आपने अर्ज़ करबला मेरा दिलबर किधर गया ऐ दश्त नैनवा में अनवर किधर गया मख्तल से हम शबी है पयंबर किधर गया ऐ नैर अलखमाली अकबर किधर गया निकला हूँ मैं शहीद पिसर की तलाश को बतला मुझे मेरे दुरे का किला को बतला मुझे मेरे दुरे एकता किला को ऐ फौज जुल्म बानों के दिलबर को क्या किया बेकस को तश्न काम को बेपर को क्या किया ऐ जालिमो शबी है पयंबर को क्या किया मिलता नहीं मेरे अली अकबर को क्या किया लिल्लाह दो पता के भटकते हैं शायद गिरा दिया मेरे यूसुफ को शायद
शायद गिरा दिया मेरे यूसुफ को जाने तुमने बुला के घर से ना मेरा अदब किया मेहमान पबे वतन पा सितम बेसबब किया बेजा भतीजे भांजों को तश्न लब किया फरजंद नौजवान को भी फरजंद नौजवान को भी मारा गज़ब किया अब दुश्मनी करो नशे मशरक़ैन से अब दुश्मनी करो नशे मशरक़ैन से बिछड़े हुए पिसर को मिला दो हुसैन से बिछड़े हुए पिसर को मिला दो से दस्ते बला में घोमली अकबर किला है رحم الله من قرأ الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته الصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي مزاخ دنا فتدلى فكان خاب قوسين عودنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وسهره وروحه ونفسه ووسيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا اللهم صل على محمد. ایک اور سب مل کے اجتماعی طور پر بآواز بلند صلوات بھیجیے. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اکرام، محترم عزیزان، عزاداران و ماتم داران، مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، سلسلہ مجالس جن کا آغاز یکم محرم سے ہوا اور مسلسل جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چھٹویں نشست ہے کہ جہاں مسلسل اس بات پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ قرۂ عرض پر دنیا میں اس وقت سارے گلوب پر کم و بیش 1600 مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ان تمام مذاہب میں پھر اور مسالک ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس میں فرقے موجود نہ ہوں، اور ان تمام تر ادیان اور ان تمام تر مذاہب کی بھیڑ میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا دین درست ہے. تب یہ ایک معمہ ہے، ایک مسئلہ ہے جو حل چاہتا ہے، اس کا کوئی سولیوشن نکلے کہ کیسے امتیاز کریں، کیسے تفریق کریں، کیسے پہچانیں، کیسے جانیں کہ کون سا دین درست ہے. تو قرآن نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ہر دین کو درست دین مت سمجھو، اور آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کا یہ دین اللہ قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. تب یہ تجسس ہے، یہ بات دریافت کرنا ضروری ہے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہے اور دیگر اور ادیان میں نقائص کیا ہیں. جب آپ نقائص دریافت کریں گے تو اسلام کی خوبی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کی خوبی آپ کو سمجھ میں آئے گی. وہیں جب کوئی اجنبی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھتا ہے کہ اسلام کے 73 چہرے نظر آ رہے ہیں. اب ان 73 چہروں میں کون سا حقیقی اسلام ہے اس کی شناسائی بھی ضروری ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے بھی اس جانب اشارہ کیا اور بیان فرمایا کہ ستفترق امتی 73 فریقا واحدہم فی الجنہ، کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں منقسم ہو جائیں گی، اور ان میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جاننے والا ہوگا. تو اب یہ بھی درست ہے، اور یہ جاننا بھی آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ اتنے فرقوں کی بھیڑ میں کون سا فرقہ درست ہے.
तब तजिया निगारों ने जस्तजु की और रिसर्च किया और फिर ढूंढना चाहा कि इन 73 शक्लों में कौन सी शक्ल है जो इस्लाम की शक्ल कहलाती। अब वो एनालिसिस करने के बाद, स्क्रूटिनाइज करने के बाद, मेहनत और मशक्क़त के बाद, उन्होंने ये नतीजा पेश किया कि इस्लाम के जितने फ़िरक़े हैं उन तमाम फ़िरक़ों में तकरीबन सभी बातें मुश्तरक हैं, सब बातें कॉमन हैं। यानी इस्लाम के कई फ़िरक़े हैं कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पर ज़ोर देते हैं, इस्लाम के तकरीबन सभी फ़िरक़े हैं जो क़ुरान को अल्लाह की किताब मानते हुए क़ुरान की तिलावत की जानिब ज़ोर देते हैं। माह सियाम आता है तो एक महीना रोज़ा रखने के लिए तकरीबन हर फ़िरका कहता है। हज, अल्लाह का सबसे बड़ा घर बैतुल्लाह, काबे को जाने के लिए ज़िंदगी में कम से कम एक मर्तबा वाजिब हज करार दिया गया। तो सारी की सारी बातें कॉमन नज़र आई, मुश्तरक नज़र आई। अब इनफरादियत से कैसे पहचाने कि कौन सा मसलक, कौन सा फ़िरका दुरुस्त है? तब जब जस्तजू की, मेहनत की, मशक्क़त की और तहक़ीक़ की, तो इसका नतीजा पेश करते हुए मुहक्किकीन ने बयान किया कि तमाम तर फ़िरक़ों में मुश्तरक बातें, एक फ़िरका है जो तमाम फ़िरक़ों से इस फ़िरक़े को जुदा करता है, वो ये कि एक फ़िरका है जिसे मसलक जाफ़री कहते हैं, और इस मसलक में तमाम मसलक, तमाम मसालिक से अलग बात ये पाई जाती है कि इस मसलक में गदीर और करबला मिलती है। एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद। यानी गदीर एक हकीकी वाकया है, एक इवेंट गुजरा है, लेकिन सभी लोग इसे भुला देते हैं। अब भुलाने का सबब क्या है वो भी तो दरियाफ्त करना पड़ेगा। भुलाने का सबब ये है कि अल्लाह के हबीब ने दुनिया से जाते हुए आखिरी हज के मौके पर हाजियों के मजमे को यकजा किया एक ऐसा मकाम जिसे गदीर खुम कहा जाता है। और इसका जो जोग्राफिकल आप सर्वे करेंगे तो आपको एक मकाम ऐसा मिलता है मक्का और मदीना के माबेन के, जिसे जोहफा कहते हैं, जोहफा की मीकात। आप वर्ल्ड के किसी गोशे से भी जाइए, काबे की सिमत, काबा जो है सेंटर ऑफ द ग्लोब है, एक मरकज़ी मकाम जहां अल्लाह ने अपना घर बनाया ताकि वो मरकज़ी हस्ती जिसे अली कहते हैं अपने घर में उसे ज़ाहिर करे। देखिए, एक एक लफ्ज़ का, एक एक जुमले का मैं ज़िम्मेदार हूँ। जो कुछ भी अगर शक को शुबा हो तो मुझी से दरियाफ्त करें, वजाहत करेंगे। अगर हमारी वजाहत में कोई नक्स पाया जाए तो हम उस नक्स को कबूल करते हुए आपकी बात को हक मानें। अब यहाँ जोहफा के मकाम पर एक गदीर खुम नामी एक चश्मा था। अल्लाह के हबीब जब आखिरी हज से विदा होकर आ रहे थे तो जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका नाजिल हुए। नाजिल होते हुए इस आयत को पहुंचाया कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाह के हबीब, आखिरी हज के बाद तमाम जितने भी ममालिक से लोग आए, जब ये ऐलान हुआ कि अल्लाह के हबीब ने कहा कि मैं हज पर जा रहा हूँ, हर एक की ये तमन्ना थी कि अल्लाह के हबीब के साथ हज करें। क्यों ना हो कि इतनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह का हबीब हो और उनके साथ हज करने में, अल्लाह के हबीब की माईयत में उन्हीं के साथ वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के पानी का कुछ लुत्फ़ और होता है। आप ज़मज़म पीते हैं तो इस पानी में कुछ लुत्फ़ और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? अल्लाह का हबीब साथ है। इसी तरह से वहाँ जो तवाफ़ करते हैं तो अल्लाह के हबीब के साथ तवाफ़ करने का शरफ़ अलग है। वैसे ही सफ़ा व माबैन के, सफ़ा व मरवा के माबैन सही की जाती है तो जब अल्लाह के हबीब के साथ किया जाए तो इसका शरफ़ कुछ मोहतरम हो जाता। इसी तरह से फिर तीन शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं तो इसका शरफ़ भी ज़्यादा
لطف آ جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب ساتھ میں. تب عزیزان گرامی یہ حج سے فارغ ہوئے, وہاں سے پوری ہر ملک سے لوگ آنے لگے. سوڈان سے کوئی آ رہا ہے, تو کوئی یمن سے آ رہا ہے, کوئی مصر سے آ رہا ہے, اور مختلف ممالک سے, کوئی لبنان سے آ رہا ہے. سب کے سب آ کر ایک مرکزی مقام پر مکہ میں جمع ہو گئے. حج سے فراغت ہوئی تو اس غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کا حبیب پہنچا, سب ودا ہونے لگے کہ اللہ کے حبیب آپ نے بڑا شرف دیا ہمیں کہ ہم جاہل تھے ہمیں عالم بنایا, ہم گمراہ تھے ہمیں راہ ہدایت دکھائی. اور پھر اسی کے ساتھ ودا ہونے لگے. اللہ کے حبیب نے ودا بھی کیا, ایک ایسا آپ دو راہا کہیے, چوراہا کہیے یا ہشت راہا کہیے, کہ یہاں سے تمام ممالک کو راستے پھوٹتے تھے, پگڈنڈیاں الگ الگ نکلتی تھیں. یہاں ٹھہرا, سوڈانی کہنے لگے کہ ہم ودا ہوتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے, ودا ہو گئے. یمنی کہنے لگے ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم ودا ہوتے ہیں. بہرحال ہر ملک کا مسلمان ودا ہونے لگا. اللہ کے حبیب نے ودا کیا, اب چاہتے ہیں کہ خود بھی مدینہ جائیں اپنے وطن کو, کہ ہم ناقے پر بیٹھنا چاہتے ہیں, ناقہ آگے نہیں بڑھتا. حیران ہے کہ میری سواری میری نافرمانی تو نہیں کرتی, کیا سبب ہے کہ ناقہ آگے نہیں بڑھتا؟ تو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ جبرائیل مہار ناقہ تھامے ہوئے ہیں, آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. کہا اے امین وہی خیریت, کدھر آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ پروردگار عالم بات تو ہے درود و سلام کے, یہ عرض کرتا ہے کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول اس بات کو پہنچا دیجئے جو آپ کو پہلے سے بتا دی گئی ہے. ایک ایک لفظ ہے, اب اس کا ترجمہ میں جستا کرنے لگوں تو بہت زیادہ طول ہو جائے گا, آپ اشارے کو سمجھتے ہوئے چلیں. اور پھر زیادہ تفصیلات چاہیے تو پھر میں مجلس کے بعد بیٹھا رہتا ہوں, 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو وہاں پر گفتگو کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی, یہ مکمل آیت نہیں ہے, آیت کا ایک ٹکڑا ہے. کیا بیان ہوا؟ جسے کبھی طٰہٰ کہتے تھے, کبھی مزمل و مدثر, کبھی یاسین, شفقت سے اور بڑے ادب سے, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے اللہ جہاں گفتگو کرتا تھا, آج ڈیزگنیشن کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اس بات کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکی ہے. اللہ کے حبیب ذرا تجسس کر رہے تھے, اب وہ مشیت جانے اور اللہ کا حبیب جانے کہ کیوں تکلف ہو رہا تھا, کیوں اللہ کے حبیب تاخیر کر رہے تھے, کہ ایک مرتبہ پھر ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کار رسالت انجام نہ دیا تو کار رسالت سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لیجئے 23 برس کی تبلیغ, جہاں تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کی یکتائی کو منواتے ہوئے اللہ کا حبیب زخمی بھی ہوا اور دشمنوں نے بے انتہا ستایا, ساری تبلیغات ساری مشقتیں ایک طرف, اگر آپ یہ اعلان نہ پہنچائیں تو کچھ نہ کیا کار رسالت. تنبیہ آ گئی, وارننگ آ گئی, لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب تجسس میں ہے, جستجو ہے کہ کیسے بیان ہو. چند قدم چلی تھی سواری کہ پھر ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب اس بات کی تمانیت ملی تو ایک مرتبہ جو آگے لوگ بڑھ چکے تھے ان کی جانب بھیجایا اپنے اصحاب کو, ایک ایک پگڈنڈی پر ایک ایک صحابی چلا, کہیں عمار یاسر گئے, کہیں حذیفہ یمانی, کہیں ابو ذر, کہیں سلمان. اس طرح سے تمام راستوں پر ایک ایک شخص کو بھیجایا, سب کو واپس بلایا گیا, جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. جب امت ایک مرکز اتحاد پر آ گئی تو اب کجاووں کا ممبر بنا کر کجاووں کے ممبر کی بلندی پر جا کر اپنے ہاتھوں پر اپنے بھائی علی کو اٹھا کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. بات طے ہو گئی
या अल्लाह के हबीब ने अपनी मर्ज़ी से नहीं कहा, वजाहत की कि मैं तो कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका हुक्म ऐसा था कि कहना ज़रूरी वरना मेरी रिसालत रुख्सत, ज़रूरी अमर था, इसीलिए मैंने पहुंचा दिया। लेकिन अजीज़ों इसके बाद भी रिसालत माफ से दुश्मनी की गई इसी एलान वलायत के सबब से। अब वो तफसीलात बहुत आ जाती हैं, मैं क्या करूं कि मुख्तसर सा वक्त होता है, तमाम तर चीदा चीदा बातें तफसील से बयान नहीं की जा सकती। तो ये गदीर और इसी को भुलाने का नतीजा है कि करबला वाक़ हुई। अब अजीज़ान गरामी तजिया निगारों ने बयान किया कि एक फ़िरका जो बताया जाता है कि जन्नत में जाएगा, देखिए तमाम जितने मसाली गए उनको हमारा चैलेंज है ओपन ऑनलाइन कि आकर आप हमसे बहस करें या हमें कायल करें या आप कायल हो जाएं। ऐलान वलायत हुआ, गदीर को भुला दिया गया। अल्लामा अमीनी जिनका नाम आपने सुना होगा, इनका नाम है अब्दुल हुसैन अमीनी, बेहतरीन और मेरे पसंदीदा आलिम है, रिसर्च स्कॉलर, बे इंतहा मेहनत की इस वाक़े गदीर पर, और उन्होंने किताब लिखी अलगदीर जो 20 जिल्दों पर मुश्तमिल। और इसी के बाद जाकर फिर जो जामे अजहर है इजिप्ट में मिस्र में, वहाँ जाकर इस जामे अजहर के वाइस चांसलर के सामने ये दलाइल रख के कहा कि इतने सहाबा जब रावी हैं इस वाक़े के, जहाँ एक आध ज़ईफ और झूठा शख्स मिल जाता है उसकी रवायतों को तो आपने जगह दे दी, लेकिन इतने सहाबा इतने मोतबर हस्तियाँ जब इस वाक़े में मौजूद थे तो आप इसे क्यों सिलेबस में शामिल नहीं किया। तो वहाँ पर जामे अजहर जो बरादरान अहले तसन्नुन का मरकज़ी हौज़ा है, वर्ल्ड वाइड जो फेमस है, वहाँ जाकर जामे अजहर के वाइस चांसलर से गुफ्तगू जब की तो अल्लामा अमीनी की बात को उन्होंने माना और मान कर कहा कि या तो गैर दानिस्ता तौर पर हमसे ये बात छूट गई या फिर कुछ आमदन कोई साजिश चली है जिसके सबब से वाक़ गदीर भुला दिया गया। तो ये गदीर की हक्कानियत है। अब अजीज़ान गरामी ये गुफ्तगू का जो सिलसिला चल रहा है इस्लाम शनासी का कि हकीकी इस्लाम की शनासाई कैसे हासिल की जाए, यहाँ पर ज़रा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूँगा कि एक हदीस में वारिद हुआ कि फ़ला तत्तबिउस्सुबुल के तमाम तर रास्तों की इत्तबा मत करो। सबील की जमा सुबुल है, सबील कहते हैं रास्ते को, हर रास्ते को, ऑल वेज ऑफ लाइफ को चलने की इन तमाम तर रास्तों पे कोशिश न कीजिए। अन यज़िल्लु बिकुम अन सबीले कि तमाम तर रास्तों को आप दुरुस्त समझने लगेंगे कि ये भी रास्ता दुरुस्त, ये भी रास्ता दुरुस्त, ये भी रास्ता दुरुस्त, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो वो रास्ता है जो जन्नत मुकीम तक आपको पहुंचाता है उससे आप गुमराह हो जाएंगे। हिदायत दी गई है। अब वो आमतौर पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक नारा चलता है, तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम उन्हें भी मानते इन्हें भी मानते सब कुछ होता है। जी भाई नहीं, मना है। आप हर रास्ते को दुरुस्त कहेंगे और किसी एक रास्ते पे चले जाएंगे तो जन्नत को ले जाने वाला तो एक ही रास्ता है, इस रास्ते का सिलेक्शन करना, इरफान हासिल करना ज़रूरी है। एक ऐसे रास्ते का इंतखाब कीजिए जो रास्ता सीधे जन्नत मुकीम को पहुँचाता है। तो अब इस रास्ते को पहचानने में बड़ी दिक्कतें आती है, मेहनत होती है, मशक्क़त होती है, आप गुफ्तगू करके किताबों का मुतालिया करके और फिर मजलिसों में बैठकर, क्योंकि हमारी मजलिसें ही हमारी दर्जगाहें हैं, यहाँ पर कोई सिनो साल की क़ैद नहीं है, किसी मसलक या किसी फ़िरक़े की भी क़ैद नहीं है, यहाँ कोई मज़हब का शख्स क्यों ना हो गैर मुस्लिम भी आ सकता है। अल्लाह के घर को जाने में रुकावट आती है, अल्लाह के घर में उसे इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन फ़र्श हुसैन हर एक के लिए खुला हुआ है, हर कोई यहाँ आ सकता है। तो अज़ीज़ान गरामी जस्तजू करें, ढूंढें, अपने इल्म से तहकीक करें। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कहकर आप
वहाँ रोज़े महशर छूट जाएंगे जी। गिरफ्त मजबूत है, अल्लाह सब कुछ जानता है, और वह सवाल भी करेगा कि मैंने अक़ल दी तो अक़ल से तुमने हिदायत का काम हासिल क्यों नहीं किया। तो अज़ीज़ाने गरामी, ये तमाम तर जो रास्ते हैं, और इसमें एक वाक़ आ जाता है, मैं कल की तकरीर से अभी ज़रा से देर में मुंसलिक कर दूँगा इस बात को कि आप जानते हैं मामून रशीद खलीफ़ा बनी अब्बास, ये हारून रशीद का बेटा, और इतना बड़ा एम्पायर इसके हाथ में था कि ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का एम्परर था, 2/3 ऑफ द ग्लोब उस पर हुकूमत करता था, कोई मामूली बात नहीं है। एक दो ममालिक पर हुक्मरान बन जाते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं, या तो 2/3 कुर्रे अर्ज़ का हुक्मरान है मामून रशीद। अब आप जानते हैं एक एम्परर का ही बेटा था हारून रशीद का, जिसकी अरब और अजम पर हुकूमत थी। जब एम्परर का बेटा है तो इसे कैसी तालीम दी गई होगी, किस मेयार की? कोई भी रिच पर्सनैलिटी होती है, रिच फैमिलीज़ होते हैं, तो बड़े एहतियात से इंतखाब करते हैं कि किस मदरसे को भिजाएँ, कहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है वहाँ का इंतखाब होता है। तमाम तर चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अपनी इस्तेताअत और अपनी सोर्स ऑफ इनकम और अपने हौसले के हिसाब से वो बेहतरीन से बेहतरीन तर मदरसे में पहुँचाना चाहते हैं। आप देखते हैं पब्लिक स्कूल्स का इंतखाब होता है, और फिर कॉन्वेंट स्कूल, और फिर इसी तरह से बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस का इंतखाब होता है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाता है, कोई कैम्ब्रिज को जाता है। इस तरह से जैसे जैसे यानी आपकी वेल्थ होती है, जितनी पहुंच होती है, उस हिसाब से मदरसे का इंतखाब होता है, मदरिस का इंतखाब होता है। आप मुझे बताएँ कि जो 2/3 वर्ल्ड का एम्परर हो, उसने क्या एहतमाम किया होगा अपने बेटे की तालीम के लिए? मामून रशीद बे इंतहा काबिल शख्सियत था, इल्मी एतबार से कोई दो राय नहीं है। किसी आलिम से जाके आप पूछें कि इसे इल्मी लगाव भी था, हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी था, सब कुछ था, लेकिन दिल में एक उंसुर था शरारत का। जब इल्म ज़्यादा हो जाता है तो इंसान कभी बहक जाता है, जैसे इबलीस बहका था। उस्ताजुल मलाइका फरिश्तों को तालीम देने वाला शैतान, फरिश्ते जिसके शागिर्द हों तो इसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, बताइए मुझे ज़रा। तब अजीज़ान गरामी, इल्म आया, इल्म है, मौजूद है इबलीस के पास, बेइंतहा इल्म था, लेकिन इसी इल्म के साथ जो तकब्बुर शामिल हुआ, इबलीस को कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह से जिसने, जो खालिक है, जो मालिक है, जो मुख्तार है, उससे बहस करने लगा अपने इल्म के ज़ोर पर। और अल्लाह ने कहा कि जब मैंने हुक्म दिया था तो मेरी ओबीडियंस में तुझे चाहिए था कि तू मेरा क्रिएचर है, तो अपने क्रिएटर की बात को मानकर मेरे हुक्म पर आदम की जानिब सजदा करता। उसे नागवार गुजरा, उसने कहा कि माबूद चप्पे चप्पे को तेरे सजदों से भर दूँगा, ज़मीन व आसमान का कोई गोशा ऐसा ना होगा जहाँ तेरे लिए मैं सजदा ना करूँ, लेकिन तू जब ये कह रहा है कि आदम को, तो मुझे मंजूर नहीं। देखिए, यहाँ अल्लाह की मुवाहिदी पर बड़ा ज़ोर दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा तौहीद परस्त हूँ, अल्लाह परस्त हूँ, तो मुवाहिदीन को चाहिए कि देखें कि अल्लाह क्या सिर्फ़ उसके सजदों से राज़ी होता है, उसकी इबादत से राज़ी होता है? अल्लाह सिर्फ इबादत से राज़ी नहीं होता, अपनी इताअत से राज़ी होता है। अब अल्लाह की इताअत ज़रूरी थी, डिसोबे किया उसने अल्लाह के ऑर्डर्स को, और डिसोबे करने के बाद सिर्फ डिसोबे ही नहीं किया, अल्लाह ने सवाल किया, या इबलीस मा मनाक अंतसजुदा, कि तुझे किस चीज़ ने मना किया कि सजदा करें जब मैंने हुक्म दिया? तब अपनी हुज्जत हकारत, अपनी इल्मी लियाकत व काबिलियत बताने लगा, बताते हुए कहने लगा कि खलकतहु मिन तीन व खलकतनी मिन नार, तूने उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आग को सुपीरियरिटी हासिल है मिट्टी पर, ये उसकी गलतफहमी थी। अब ज़ाते वाजिब पर वाजिब था कि इसकी दलील को रद्द करें और अपनी दलील उस पर लागू करें, तो परवरदिगार आलम ने दलाइल दिए, उनमें से एक दलील आप समाज फरमा लें। अल्लाह ने कहा कि आग कम अफजल है मिट्टी से,
مٹی کو فضیلت آگ سے زیادہ حاصل ہے. اور فضیلت کی دلیل یہ دی اللہ نے کہ ہم آگ کے حوالے کوئی چیز کر دیتے ہیں تو وہ جلا کر فنا کر دیتی ہے, لیکن مٹی میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ برسوں محفوظ رہتی ہے. یہ دلیل ایک دلیل ہے بس, میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. تو اللہ نے اپنے حکم کی جو خاصیت تھی کہ کیوں حکم دیا, اس کی دلیل پیش کر دی. جب دلیل اس نے مانگا پھر اس نے ضد پر اڑ کر کہا کہ نہیں نہیں میں تو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا, تو ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو گیا. اور اللہ نے بڑے پھٹکار کے ساتھ کہہ دیا کہ فخرج منی انک انت الرجیم, کہ یہاں سے نکل جا, ہمیشہ کے لیے تو راندہ بارگاہ الہی ہو گیا, آپ کبھی میرے قریب نہیں آنا. تو اس نے ضد کی اور پروردگار عالم کے سامنے حرف التماس پیش کی کہ معبود جب تو مجھے نکال ہی رہا ہے تو ذرا مجھے اختیار دے کر نکال. اختیار کیا کیا مانگا, اختیار کیا پاورز مانگے اس نے؟ کہا کہ آدم کے سبب سے مجھے جنت سے جو نکالا جا رہا ہے تو میں اولاد آدم سے اس کا انتقام لوں گا. تب پروردگار عالم نے مہلت دی, قادر مطلق ہے, مہلت دی اور کہا کہ تجھے مہلت ہے, جو بھی تیری باتوں میں آ جائے گا, اگر ساری دنیا بھی تیری باتوں میں آ جائے تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دوں گا. اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا, وقت معلوم تک کی مہلت مل گئی. اور یہ سارے ابلیس ہی کے کھیل ہیں جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں. حقیقی دین جاننے سے انسان جب گریز کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ابلیس کی اطاعت میں آ گیا. بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے, کیا کیا جائے. اب عزیزان گرامی, یہ مامون رشید کے دل میں شرارت سوجھی اپنی لیاقت اور قابلیت کے اعتبار سے. اس نے کہا کہ میں فرزند رسول امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہیں علم کے ذریعے سے شکست دی جائے. وہ اللہ کا نمائندہ ہی کیا جو شکست خوردہ ہو جائے؟ اللہ کی جانب سے جو بھی آتا ہے ہمیشہ اس کا دست اوپر ہوتا ہے, ہاتھ بالا ہوتا ہے. تب وہ اپنے وزیر سے فضل بن ربی جس کا نام بتا جاتا ہے, اپنے منسٹر سے کہنے لگا کہ کوئی ایسا انتظام کرو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک علمی مناظرہ ہو, تمام بڑے بڑے علماء کو بلایا جائے. ہندوازم کے علماء کو بھی بلایا گیا, نصرانیوں کے بڑے بڑے پوپس آ گئے, آج بشپ آ گیا, وصوف اعظم جسے کہتے ہیں اسے بلایا گیا. اب وہ فضل بن ربی نے کہا کہ اس میں تو کر دوں گا اہتمام, لیکن اس میں بڑا خرچہ آ جائے گا, مصارف آئے. اس نے کہا کہ دولت کی کچھ فکر نہ کریں, خزانے کے دہانے کھول دوں گا, لیکن میرا جو منشا ہے یہ پورا ہونا چاہیے. خزانے کے دہانے تو کھل گئے لیکن اسے اس کا مطلب حاصل نہ ہوا. اب بڑے بڑے یہودی علماء کو بلایا گیا, نصرانیوں کو بلایا گیا, اور غیر مسلم افراد ادھر سے آتش پرست, سب کے سب جمع ہو گئے. اب یہاں جب جمع کیا گیا دربار میں, بہت بڑا مجمع اور کوالیفائڈ لوگوں کا مجمع, ایسے نہیں, یہ مجمع جمع ہو گیا. اور جمع ہونے کے بعد خادم کو بھیجا کہ امام رضا کو بلایا جائے. خادم آیا, اب وہ بھی غیر شیعہ تھا لیکن امام کے جو اوصاف و کمالات, جو عبادتیں اور ریاضتیں دیکھی تو امام کا عاشق ہو گیا, امام کا محب بن گیا. اب اطلاع لے کر آتا ہے کہ آپ کو فرزند رسول دربار میں بلایا گیا ہے, لیکن چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے. گھبراہٹ کے جو آثار تھے, کہا کہ کیوں گھبرا رہے ہو؟ امام نے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ مولا مامون نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا. کیا کیا منصوبہ بنا؟ کہا بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا ہے, مناظرے کے لیے آپ کو طلب کیا گیا. تو مناظرہ تو مجھے کرنا ہے, تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ امام نے کہا بھائی گھبراہٹ تمہارے پاس کیوں ہے؟ نہیں مولا مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ بڑے عالم جو ہیں علم کے ساتھ ان کے پاس مکر کے اور عیاری کے بڑے بڑے ہنر. کہا کہ اب تم دربار چلو, ہم بھی چلتے ہیں, اور دیکھنے لائق ہوگا مامون کا چہرہ. یہ علم کی شان ہوتی ہے, ہم جن رہبروں کو مانتے وہ ایسے ہوتے ہیں. امام گئے اور پورا وہاں پہ مجمع بھرا ہوا بڑے بڑے علماء. تو
तो इमाम ने कहा कि क्या तुम सवाल करोगे या मैं करूं? तो ये शान जो देखी, उलमा समझ गए कि कोई गैर मामूली बात है, ये आसान बात नहीं है, संभल गए। अब वो नसरानियों से मुनाजरा हुआ, यहूदियों से हुआ, और उसी के बाद इमाम ने हर एक मसलक में उनके किताब से इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया, उनके कुतुब से। जी, अपनी किताब को हुज्जत के तौर पर पेश करते हैं तो दुनिया एतराज़ करती है। अब कल ही हमने कहा कि कुरान में लफ्ज़ शिया है तो गैर शिया अफराद भड़क जाते हैं। भाई, आप कुरान में है या नहीं, कुरान हुज्जत है या नहीं, आपके लिए पहले फैसला कर लीजिए। अगर कुरान हुज्जत है तो उसका एक एक हर्फ आपको मानना ज़रूरी हो जाता है। बात बिगड़ने की नहीं है, हक को मानने की है, या हक मनवाइए या हक मान लीजिए। तो अब अजीज़ान गरामी, वहाँ आठवें इमाम का जब मुनाज़रा हो रहा था तो ईसाइयों को इंजील के ज़रिए से साबित कर दिया कि मज़हब इस्लाम हक है, और यहूदियों की बारी आई तो अब वो अपने उज़र पेश करने लगे कि हज़रत मूसा पर नबूवत ख़त्म हो गई और आप ये ईसा को और रिसालत माप को जो मानते हैं। तो इमाम ने कहा कि तेरे पास, तेरे हाथ में तौरात रखी हुई है, तो कोई भी एक सफ़ा खोल ले। अब उसने सफ़ा खोला तो इमाम ने उस सफ़े की आयतें पढ़ के बताई। किताब उसके हाथ में है, आयतें इमाम पढ़ रहे हैं। कहा कि तेरे हाथ में ये सफ़ा खुला हुआ है, इसी सफ़े पे ये लिखा हुआ है कि मूसा के बाद में ईसा आएंगे, ईसा के बाद में मुरसले आज़म आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। हैरान और परेशान कि किताब मेरे हाथ में, इबारत मेरे सामने है, लेकिन इमाम बग़ैर देखे बता रहे हैं कि इस सफ़े पे ये लिखा हुआ है। तो ये होते हैं इस्लाम के रहबर। इसी सिलसिले पर ईमान लाने के लिए अल्लाह ने ज़ोर दिया, 124,000 अंबिया का सिलसिला भेजा गया, और फिर ख़त्मुल मुरसलीन के बाद रिसालत माब ने अपनी ज़िंदगी ही में कहा कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। ये हदीस भी हर मसलक में मौजूद है, सिर्फ शिया मसलक की बात नहीं है। बरादरान अहले तसन्नुन के कुतुब देखें जिन्हें वो सहासिता कहते हैं, इसमें भी हदीस लिखी हुई है कि मेरे बाद मेरे जानशीन 12 होंगे। इनमें से किसी एक का भी इनकार करोगे तो जहन्नम का रास्ता देखना पड़ेगा। ये इस्लाम, इस्लाम की हक्कानियत है और शिया फ़िरक़े की हक्कानियत। तो अज़ीज़ाने गरामी, कल जहाँ मैंने बात को रोका था वहीं से मुंसलिक करना ज़रूरी है कि कल मैंने इस्लाम के औसाफ़ कुरान मजीद के चौथा सूरा, सूरह निसा, इसकी 125वीं आयत के जहाँ परवरदिगार आलम कह रहा है कि तुम फरेब खुर्दा न बनो, धोखा मत खाओ। क्यों? इसलिए कि जब किसी गलत प्रोडक्ट पर एक अच्छी कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है तो दुनिया धोखा खा जाती है। तो अब इसकी हकीकत पहचानने के लिए उसका टेस्ट करके लैब में भिजाना पड़ता है कि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स है हकीकी प्रोडक्ट के है या नहीं। तो इस्लाम में भी नुस्खा बताया कि हर मज़हब को, हर फ़िरक़े को, हर मसलक को तुम इस्लाम मत समझो, इसलिए कि बोहरी जमात भी दावा करती है कि हम सही मुसलमान, आगा खानी जमात भी करती है कि हम सही मुसलमान, बरादरान अहले तसन्नुन भी दावा करते हैं कि हम सही मुसलमान। अब उनमें दोनों में आपस में एक झगड़ा ये है कि एक मशायखीन के सिलसिले को मानते हैं, एक कहते हैं कि वसीले की ज़रूरत नहीं, जबकि कुरान ने वसीले पर ज़ोर दिया है और आयत मौजूद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, ये लफ्ज़ आया है खुले तौर पर। तो वसीले का जब कुरान ने ज़ोर दिया, और अखली बात भी है कि जब अल्लाह भी आप तक कादिर मुतलक होने के बावजूद बग़ैर वसीले के नहीं पहुंचा, तमाम अंबिया को वसीला बनाया ख़त्मुल मुरसलीन के ज़रिए से, अल्लाह का तारुफ हुआ, आपने अल्लाह को पहचाना, तो तब कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो कादिर मुतलक होते हुए, अख्तियार रखते हुए वसीले पर ज़ोर दे रहा है, और अब मजबूर रहकर, बेबस रहकर दावा करें कि हम बग़ैर वसीले के अल्लाह ताला तक पहुंच जाएंगे। दावा भी गलत है, और अगर आप दावे में सच्चे हैं तो ज़रा मुझे अल्लाह ताला का दीदार करा दीजिए, उसका एड्रेस बता दीजिए, ताकि मैं जाकर उससे मिलकर दस बोसी और ख़दम बोसी का शरफ़ हासिल करूं।
तब अजीज़ान गरामी, ये जितने मसालिक हैं सभी दावा करते हैं हम सही मुसलमान, हम सही मुसलमान। अब असली इस्लाम क्या है? तो परवरदिगार आलम ने कहा कि हम लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स है या नहीं ज़रा देख लीजिए। प्योर इस्लाम अगर आप जानना चाहते हो तो वमन हसनो दीनन मिम्मन असलमा वजहु लिल्लाहि वहुवा मोहसिनुन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, के दीन में उनसे बेहतर कौन होगा कि जो अल्लाह की जानिब अपना रुख हयात रखता हो, और दूसरी बात कि वो मोहसिन भी हो, एहसान करने वाला भी हो, और तीसरे और अहम जुज के तौर पर हज़रत इब्राहीम की मिल्लत हनीफ की पैरवी करने वाला भी हो। दो मंजिल तो तय हो गए थे कि अल्लाह पर तवक्कुल और एहसान क्या होता है, तीसरा और अहम जुज मिल्लत इब्राहीम हनीफ किसे कहते हैं। तो इस पर कल गुफ्तगू हुई कि हज़रत इब्राहीम की हयात अक़दस में आप देखेंगे तो तीन अज़ा पाएंगे कि हज़रत इब्राहीम शिया थे, और क़ुरान में आयत आई और मैंने वो आयत आपको सुनाई कि सूरह साफ़ात क़ुरान मजीद का 37वां सूरा है, इसकी 83वीं आयत है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया कि वा इन्ना मिन शियत ही ला इब्राहीम, कि इब्राहीम तो उनके शियों में से थे। और एक मकाम पर भी जिक्र आया कि हज़रत मूसा का शिया फलां शख्स था और वो कब्ती पर उन्होंने हमला कर दिया तो अपने इस शिया के सबब से उन्हें जिलावतन होना पड़ा, इसकी ताईद अपने शिया को बचा रहे थे। तो अब अजीज़ाने ग्रामी लफ्ज़ शिया पर आप एतराज़ नहीं कर सकते, कुरान में मौजूद है, शिया थे। और दूसरे ये कि इमामत इनके पास थी, और इमामत से मुतालिक मैंने बयान किया कि वह कुरानी आयत है कि वहीज़ तला इब्राहीम रब्बू बिकलमातिन फतम महुन्ना, कि जब हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया और वह इब्राहीम इम्तिहान में पूरे उतरे तो हमने उन्हें इंसानों की इमामत से नवाजा। और इंसानों की इमामत के अहदे में जो जाज़बियत व फजीलत थी, इसी के सबब से हज़रत इब्राहीम ने ख्वाहिश की और बयान किया कि काला व मिन ज़ुर्रियती बारी लहा, ये इतना अहम अहदा और इतनी सुपीरियरिटी वाला अहदा क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा? तो परवरदिगार आलम ने क्राइटेरिया बता दिया, हाँ या नहीं नहीं कहा कि आएगा या नहीं, लेकिन शर्त बता दी और बयान किया कि ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, कि ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। तो जुल्म की तारीफ़ कर मैंने उलमाए मुतकल्लिमीन के बयान के ज़रिए से दी, और इसी क़ुरान मजीद के ज़रिए से देने का वादा किया था कि जहां हज़रत लुक़मान अपने बेटे से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला इन्ना शिरका लज़ुल्म अज़ीम, हज़रत लुक़मान अपने फ़र्ज़न से नसीहत करते हुए कहते हैं कि अरे मेरे बेटे याद रखो कि ख़बरदार अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न करना, इसलिए कि यकीनन शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम है। तो पता चला कि जो इमाम होगा वो ज़ालिम भी नहीं होगा, मुशरिक भी नहीं होगा, और जो एक लम्हे के लिए किसी पर जुल्म कर दे वो सब कुछ तो हो सकता है, इमाम नहीं कहला सकता, और जो एक लम्हे के लिए शिर्क कर ले या बुत के सामने सजदा कर दे तो सब कुछ हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गरामी, दो अज़ा पूरे हुए कि एक हज़रत इब्राहीम के पास इमामत पाई जाती थी, शियत पाई जाती थी, तीसरा अहम अंसर जो है कि हज़रत इब्राहीम के पास क़ुरबानी का जज्बा था। आज आप देखते हैं कि ईद क़ुरबान आती है, ईदुल अज़हा, तो उसी सुन्नत हज़रत इब्राहीम की पैरवी करते हुए उम्मत मुस्लिमा बड़े बड़े जानवरों को क़ुरबान करती है, कहीं दुम्बा ज़ुबा किया जाता है अल्लाह की राह में, कहीं बड़े जानवर और कहीं उससे बड़े जानवर। अब वो अखबारात में भी इश्तहारात आते हैं कि हमने इतनी कीमत में जानवर ख़रीदा, तो भाई अल्लाह तो सब कुछ जानता है कि आपने कितने में ख़रीदा, ये इश्तहार देकर किसे बताना चाहते हैं कि हमने अल्लाह की राह में इतनी दौलत खर्च की? तो अब जिसे बताना चाहते हैं अजर भी तो उसी से लेना पड़ेगा, अल्लाह कहता है कि जिसे दिखाना चाहते हो उसी के पास से अजलो, अगर हमें दिखाना चाहते हो तो हम तो सब कुछ जानते भी है, देखते भी है, सुनते भी है, सब हमें पता है। तो अब अजीज़ान गरामी, ये जज्बे क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम का जो ज़िक्र आया
قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عالم رویا میں خواب کی حالت میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر پھیر رہے ہیں اور بیان ہوا یا بنیا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا، یا میرے فرزند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اپنے اس خواب کو مسلط نہیں کیا اپنے بیٹے پر کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم سن لو، نہیں، فانظر ماذا ترا، تم اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو، کیا نظریہ رکھتے ہو. تو حضرت ابراہیم خلیل رب ہیں، تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہیں، نبی ہیں، سعادت مند ہوتا ہے نبی، سعادت مند بیٹے تھے. تو جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، چاہے بابا جو حکم آپ کو خواب میں دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، یعنی میرے گلے پر آپ خنجر پھیرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو پھیریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پورا واقعہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے اور وہ منا کے مقام پر ایک تختے پر لٹایا، خنجر پھیرنا چاہتے تھے، خنجر پھیرنے کے حوصلے میں عزم میں کمی پائی. اسی لیے اولو العزم نبی ہونے کے باوجود اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کہا کہ اے میرے لال شاید میں یہ دیکھ نہ سکوں کہ میں تمہارے گلے پر خنجر پھیر رہا ہوں. اولو العزم نبی ہیں، عزم کے سبب سے اولو العزم ہی ملتی ہے، جہاں حوصلہ بلند ہوتا ہے اسے اولو العزم بنایا جاتا ہے. اولو العزم نبی ہونے کے باوجود تاریخ روایات بیان کرتی ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹے کے گلے پر خنجر پھیروں، بیٹا تڑپتا ہوا نظر آئے تو شاید میں اپنا حوصلہ کھو بیٹھوں. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور بیٹے نے بھی جو جواب دیا وہ قرآن میں ثبت ہے. کیا کہا؟ کہ یا ابت افعل ما تومر، اے بابا جو کچھ آپ نے عالم رویا میں دیکھا ہے اللہ کے حکم کے طور پر کہ اللہ کی راہ میں آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو کر گزریے، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے ان شاء اللہ، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بیٹا بھی نبی ہے، ذبیح اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو ایک مصیبت جان رہے ہیں. دیکھیے دلیل یہ ہے کہ صبر جو ہوتا ہے مصیبت پر ہوتا ہے. نعمت سمجھیں اگر موت کو تو شکر ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو نعمت نہیں جان رہے تھے، مصیبت جان رہے تھے، اسی لیے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں پر، یعنی اس مصیبت پر میں صبر کروں گا اس امتحان میں. تو آج دنیا جان لے کہ یہ حضرت اسماعیل ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربان اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک مصیبت جانا، اسی لیے کہا کہ میں اس مرحلے سے گزروں گا تو میں اس میں صبر کرتا ہوا نظر آؤں گا. تو آج دنیا پہچانے کہ آل محمد ہے، یہ کربلا ہے. یہاں نبی ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، اور وہاں کربلا کی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے. بس عزیزان گرامی، جو وقت تھا تمام ہوا، پھر ایک دشواری آ جاتی ہے، اور آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ بیان کر دوں کہ آج تک فزیکل باتوں کی گفتگو ہو رہی تھی، کل سے میٹا فزکس یعنی میٹیریل ورلڈ کی جو باتیں تھیں، آج تک کل سے روحانیت پہ گفتگو، اسپریچویلٹی پہ گفتگو ہوگی. وہ وقت نہ تھا، اور اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، اور وہ کائنات کی تخلیق کہاں اور پھر اختتام کہاں ہوگا، اس پر گفتگو انشاءاللہ. اب دو نشستیں میرے لیے رہ گئی ہیں، کل 7 محرم کی تاریخ، 8 کو میری مجالس کی مصروفیت کے سبب سے میں نے اس مجلس کو لینے سے گریز کیا ہے، کیونکہ مجالس ہی میں مصروف ہوں میں. تو 8 کی تاریخ کو مولانا عسکری صاحب خطاب کریں گے،
अभी 10वीं मुहर्रम को भी यहाँ मजलिस भी होगी और आमाले आशुरा भी होंगे। अब मेरे लिए कल की एक तारीख़ है और 9 मुहर्रम की एक तारीख़ है। इन दो दिनों में रूहानियत पर और स्पिरिचुअल जो तकाजे होते हैं इस्लाम के, उस पर गुफ्तगू होगी, जो ख़ूबियाँ हैं। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं रोकता हूँ कि हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की क़ुरबानी दी। क्वालिटीज़ बताए परवरदिगार आलम ने कि किन क्वालिटीज़ के ज़रिए से आप इस्लाम को समझ सकते हैं। एक ये कि शिया हों, और दूसरे ये कि इमामत के कायल हों, और तीसरे ये कि जज्बा क़ुरबानी रखते हों। आज बताइए उम्मत मुस्लिमा में कि कहाँ ये अज़ा पाए जाते हैं, और कौन है जो अल्लाह के दीन पर वक्त आ जाए तो अपनी जान को भी क़ुरबान कर सके और अपने बेटे को भी, अपनी औलाद को भी क़ुरबान कर सके। ये इस्लाम का तकाजा है। खाली हीले बहाने करके हम बहुत बड़े मुसलमान कहने से इस्लाम नहीं आता। इस्लाम में तकाजे है कि अपने खालिक पर अपनी जान को क़ुरबान कर दो, ना सिर्फ जान बल्कि जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व औलाद को भी क़ुरबान करने का तकाजा करता है इस्लाम। दिस इज़ द प्योर इस्लाम विदाउट एनी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ को दाखिल किया, इस्लाम का नाम दिया। अब यहाँ हमारा जो मौजू था इस्लाम और ईमान, इस्लाम पर आज गुफ्तगू इख्तिताम को पहुँची, कल से ईमान पर गुफ्तगू होगी और वही गदीर से आगाज़ होगा। तो फिर इस्लाम में जब वो आयत आई कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती तक बात जाएगी। इस्लाम का आगाज़, इस्लाम का इख्तिताम, और इसी इस्लाम के अख्ताम के तौर पर और आगाज़ में भी ईमान का मफहम समझाया गया। इस ईमान के मफहम पर और मौला अली की अज़मत पर और मौला अली की मोहब्बत को जो ईमान कहा गया रिसालत माप की हदीस की नस से, उस पर गुफ्तगू होगी। वह अजीज़ान गरामी हज़रत इस्माइल हैं, ज़बीहुल्ला हैं, और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं और उलुल्लाह नबी हैं। इसके बावजूद इन इम्तिहानों से गुज़रने में अपने अज़्म व हौसले में कुछ कमी पाई, इसलिए हज़रत इब्राहिम ने आँखों पर पट्टी बांध ली। बेटे ने जवाब दिया कि आप मुझे कत्ल करेंगे, अल्लाह की राह में क़ुरबान करेंगे तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यही फ़र्क है दुनिया में तमाम अम्बिया में और आले मोहम्मद में। इसीलिए मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में बयान फरमाया कि ला युकासो बे आल मोहम्मदिन अला अहदिम मिन हाज़िहिल उम्मा हुम असासुद्दीन व इमादुल यकीन। मौलाए कायनात ने आल मोहम्मद की अजमत को बताते हुए कहा कि किसी एक शख्स को भी, उम्मत के किसी एक फ़र्द को भी आल मोहम्मद के मुमासिल न समझना। क्यों नहीं समझना? हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन, इसलिए कि दीन की बुनियादें हैं, दीन के सुतून हैं और यकीन की बुनियादें। किसी एक शख्स को भी, आम इंसानों को लाती है तकाबुल पर दुनिया के ये मोहम्मद आले मोहम्मद के जैसे गुनाहगार बुत परस्तों को भी लाकर इस सब में ठहराया गया कि ये आले मोहम्मद के बराबर है। मौलाए कायनात ने इसकी वजाहत कर दी कि खबरदार किसी एक शख्स को भी आले मोहम्मद के बराबर न समझना, इसलिए कि दीन के सुतून है और यकीन इन्हीं के सबब से ठहरा हुआ है। अजीज़ान गरामी, आज जिस शहीद करबला का तस्करा है, अभी आपने मसाइब में समात फरमाया शबीह पैगंबर शहजादे अली अकबर। किसी को बेटा होता है, बाप के दिल को बड़ी तकवियत होती है। बेटा साले हो तो और ज़्यादा इत्मीनान और नाज, उसी के साथ बेटा सीने शबाब को पहुंच जाए तो बाप के दिल को इत्मीनान ये होता है कि मेरी पीरी का सहारा ये बेटा बनेगा। जहाँ बाप के दिल को इतना इत्मीनान और तकवियत होती है, वहीं माँ के दिल में भी एक आरज़ू होती है। आरज़ू ये होती है कि बेटा सीने शबाब को पहुंचा है तो इसका ब्याह रचाया जाए। ऐसी ही एक आरज़ू जनाब उम्मे लैला के दिल में थी, जिसे आप मरसिए में समात फरमाते हैं कि आरज़ू है कि फले फूले मेरा नखल मुराद, तुम दुल्हन ब्याह के लाओ मेरा घर हो आबाद, देख लूँ आँखों से अपने मैं तुम्हारी औलाद,
फिर जो दुनिया से मैं गुजरूं तो रहे रूह भी शाद, दादी कहलाऊंगी, रुतबा मेरा बरतर होगा, तेरा फर्जंद भी हम शक्ल पैगंबर होगा। आह की अकबर ने ये सुन के बसत रंजो मलाल, दर्द सीने में उठा गैर हुआ और भी हाल, दिल में ये सोच के रोने लगा वो नेखिसाल, हम सफ़र करते हैं अम्मा को है शादी का ख्याल, बर में होएगा कफन खाक पर चेहरा होगा, न दुल्हन होगी न औलाद न सेहरा होगा, आरजुए जनाब उम्मे लैला पूरी न हुई, कड़ियल जवान बेटा माँ की खिदमत में आके कहता है कि मादर ग्रामी मैं मैदान में जानना चाहता हूँ, आप मुझे इज्नता करें, मामता का तकाजा था। जनाब उम्मे लैला ने कहा कि मेरे लाल 18 बरस पाला है, क्या कोई माँ अपने बेटे को मरने की रजा देती है? तो यहाँ फिरासत शहजादे अली अकबर की लियाकत और काबिलियत और फिरासत जाहिर हुई कि शहजादा ही कह सकता था। शहजादे ने कहा कि मादरे ग्रामी आप मुझे मैदान जाने की इजाज़त ना देना चाहती हो तो ना दें, लेकिन कल जब मैदान महशर में आपका सामना जद्द माजदा जनाब फातिमा जहरा से होगा और वो आपसे ये सवाल करेंगी कि ऐ लैला तुम्हें अपना अली अकबर अजीज हुआ, मेरा हुसैन अजीज ना हुआ, तो आप क्या जवाब देंगी? दिल को थाम लिया, कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज और नासिर, माँ से विदा हुए, खिदमत इमाम में आए, अब फूफी से विदा होना एक बहुत बड़ा मरहले अजीम था। तो हुसैन ने यहाँ अपने बेटे का ताउन यूं किया कि अपने बेटे के बाजू को थामा, बहन की खिदमत में पहुँचे, कहा कि बहन ये बयान करें कि आपने कभी कोई ख्वाहिश की हो और हुसैन ने उसे पूरी न की हो। कहा माँ जाए ये बहन आप पर कुर्बान हो जाए, इस बहन की कोई आरजू ऐसी न थी जो दिल से दहन तक आई हो और आपने उसे पूरा न किया हो। तो एक मर्तबा कहा क्या बहन आज हम एक ख्वाहिश लेकर आए हैं। कहा माँ जाए मैं समझ गई, आप बेटे को लाए हैं अली अकबर को विदा करना चाहते हैं मुझसे। शहजादी ने भी जिगर को थाम लिया और कहा कि मेरे लाल अली अकबर जाओ खुदा हाफिज और नासिर, इमाम ने अपने हाथों से अपने इस बेटे को संवारा, सर पर रिसालत माप का इमामा रखा, अपने हाथों से बेटे को जीन फरस पर सवार किया, विदा कर दिया। अली अकबर मैदान की जानिब जा रहे हैं, चंद कदम चले थे अली अकबर के पीछे किसी के गिरने की आवाज आई। शहजादे ने रहवार को रोक लिया, पलट कर देखा तो अजीब दिलखराश मंजर था कि ज़ईफ बाप एक हाथ से अपने कलेजे को थामा हुआ, एक हाथ फजा में उठाकर कह रहा था महलन महला या बुनैया, ऐ मेरे लाल आहिस्ता जाओ आहिस्ता जाओ। शहजादा अजी ने फरस से उतरा, खिदमत इमाम में पहुंचा, कहा कि बाबा आपने तो मुझे विदा कर दिया, फिर क्यों मेरे पास पीछे पीछे आ रहे हैं? तो कहा कि ऐ मेरे लाल मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा कलेजा तुम्हारी जानिब मुझे खींचे ला रहा है। बाप और बेटे की गुफ्तगू हुई, सानिया जहरा ये मंजर कनातों की हदूद से देख रही हैं कि ऐसे में गुफ्तगू के बाद हुसैन जिगर थाम के खाक पर बैठ गए। अली अकबर मैदान को विदा हुए, हुसैन खैमों की सिमता है। शहजादी ने सवाल किया कि मेरे भैया ए माँ जाए मेरे लाल अली अकबर ने क्या कहा कि आप सीने को थाम कर बैठ गए? कहा बहन न पूछो तो बेहतर है, कहा आपको जैनब के हक का वास्ता बताएं। सानिया जहरा ने जो अपने हक का वास्ता दिया तब हुसैन ने कहा क्या बहन दस्तूर है ना दुनिया का कि ज़ईफ़ बाप अपने जवान बेटों से वसीयत करते
मेरा जवान बेटा मुझसे वसीयत करते हुए कह रहा था कि बाबा आप मेरा लाशा खेमों में न ले जाएं, इसलिए कि मेरी माँ ये मंजर देख न सकेगी। आजीजों ये गुफ्तगु इधर जारी है। शहजादा मैदान में पहुंचा, मारके का आगाज हुआ। फातह खैबर के पिसर जाते हैं, वो तलवार चलाई के लाशों के अंबार लग गए। इसी असना में पीठ की जानिब से, पुर्ज की जानिब से एक ऐसा नैजा आया जो सीने के पार हो गया। शहजादा जीन फरस पर संभल न सका, जीन से जमीन पर आते हुए सदा दी के बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल फरमाए। इस सलाम का ये असर नजर आया कि फातिमा के लाल के आंखों की बीनाई जायल हो गई। रावी दलील के तौर पर बयान करता है कि फातिमा का लाल कभी दाई जानिब जाता, कभी बाई जानिब जाता, कभी हुसैन गिर पड़ते, कभी उठ खड़े होते। बदिक्कत तमाम अपने कड़ियल जवान बेटे के करीब पहुंचे। अजीब मंजर देखा कि 18 बरस का गुलशन उजड़ चुका है, जवान बेटा जख्मों से चूर खाके करबला पर एड़ियां रगड़ रहा है। बेटे के पहलू में हुसैन गिर गए, रुखसारे पर रुखसारा रख दिया। काहे मेरे लाल अली अकबर बाबा आए हैं, लेकिन अली अकबर जवाब नहीं देते। हुसैन का इस्तेराब बढ़ गया कि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अली अकबर को पुकारा हो वो जवाब न दे। दौर से देखा तो दोनों हाथ सीने पर हैं, हाथों से लहू जारी है। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। हुसैन की सब्र और शुक्र की मंजिल पर है, इसका कोई तायुन नहीं किया जा सकता। लेकिन न जाने अपने कड़ियल जवान बेटे को तड़पता हुआ देखा। कहा ए पिसरे साथ, तूने मेरी नस्ल को मुनखता करने का मंसूबा बनाया है, अल्लाह तेरी नस्ल को मुनखता कर देगा। सीने से बर्छी की अनी निकाली, लहू का फुवारा छूटा, लहू के फुवारे पर अपना रुखसारा रख दिया। इधर बेटा तड़प रहा है, उधर बाबा तड़प रहे हैं। इसी आलम में बेटे को उठा लिया, खैमों का रुख किया और ये कहते हुए उठाया, या बुनैया अलग दुनिया बाद अकल अव्वा। ऐ मेरे लाल अली अकबर, तेरे बाद जिंदगानी दुनिया पर खाक है। ये कहकर बेटे को उठा लिया, फासला तय कर रहे हैं। कभी सीने से सीना लगाया, कभी रुखसारे पर रुखसारा रखा, कभी दोषे अकदस पर लाशे को उठाया। ये मंजिलें तय हो रही थी कि असनाए राह में अली अकबर ने एक आखिरी अंगड़ाई ली, आखिरी हिचकी का आना था। हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दौर से हवा उतारी, अली अकबर के लाशे को रख दिया, खैमों का रुख करके कहा, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, अली अकबर का लाशा लेकर जाओ। खैमों से मासूम बच्चे बरामद हुए, अब आके गोशों को संभाला। आगे आगे जवान बेटे का लाशा, पीछे पीछे ज़हीर बाप सरोसीना पीटता हुआ चला। लाशा खनातों की हुदूद में पहुंचा, अजब दर्द का मंजर था। क्या दिलखराज मंजर है कि सानिये ज़हरा पछाड़े खाने लगी, उम्मे लैला पर सकते का आलम तारी हुआ। उसी आलम में कहा, ऐ मेरे लाल अली अकबर, तेरे ब्याह का अरमान था, तू ऐसे दूल्हा बन के आया के जुल्फों में खाक है, सीना चाक चाक है। ऐ अली अकबर, ये माँ जिए तो कैसे जिए। हाय उम्मे लैला, कड़ियल जवान बेटे का लाशा देखा, फिर करबला से कूफा, कूफे से शाम तक नो के सीना पर अपने बेटे का सर देखा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल क़ौम ज़ालिमीन व सयालम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन ख़लबी यनख़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
بحق محمد وآله الطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بار الله تجھے واسطہ باب الہوائے ثانی حیدر قمر بنی ہاشم کا واسطہ شبیہ پیغمبر شہزاد علی اکبر کا بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو برلا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہماری توفیقات اعضاء عبادات میں اضافہ فرما ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما اور تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ الصلاۃ والسلام میں ماتم علی اکبر جی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی سیدانیوں میں حشر کا سا مان کر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ سا برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ سا دل میں پھوپی کے ماں کے جگر میں اتر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی بے شیر سے گلے جو ملا حرم لاکتی بے شیر سے گلے جو ملا حرم لاکتی ہونٹوں پہ ایک فوج تبسم بکھر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی شانے کٹے تو ہمت عباس تھی وہی شانے کٹے تو ہمت عباس تھی وہی مشکیزہ جب چھدا تو قیامت گزر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں سینے پسونے والی شہدی کی مر گئی اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی تا شام کربلا سے پسے قتل شاہدی تا شام کربلا سے پسے
खतल शाहदी क्यों कर कहूँ के आले नबी नंगे सर गई अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई फरियाद करते करते रुकी खाहरे हुसैन फरियाद करते करते रुकी खाहरे हुसैन दुनिया में आते आते ख़यामत ठहर गई अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई अकबर हुए शहीद जहाँ में खबर गई अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर पहुँचे जो हुसैन इब्ने अली लाश पिसर पर वो हाल नजर आया छुरी चल गई दिल पर ये कह के जमी पर गिरे बेटे के बराबर ये कह के जमी पर गिरे बेटे के बराबर आया है पितर होश में आओ अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर जालिम कोई बेकस को बताता न तरस था छाया था निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा आया है पिदर पास तेरे ठोकरे खाता आया है पिदर पास तेरे ठोकरे खाता आँखों को हुआ क्या मेरे पूछो अली अकबर अब घर को चलो हाथ से पूछो अली अकबर अब घर को चलो हाथ से पूछो अली अकबर क्यों पाँव रगड़ते हो कहाँ दर्द उठा है बतलाओ मेरी जान अब दिल बैठ रहा है क्यों हाथ है सीने पर कहाँ जख्म लगा है क्यों हाथ है सीने पर कहाँ जख्म लगा है फट जाएगा दिल बाप का बोलो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो
अकबर। अब देर जो की तुमने तो करती हुई बेपर्दा बहन आएगी मख्तल में हमारी मादर कहीं मर जाए ना सदमे से तुम्हारी मादर कहीं मर जाए ना सदमे से तुम्हारी बाबा भी नहीं जीने के सुन लो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर अब घर को चलो खाक से उठो अली अकबर सैन 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 अली 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 अब्बास अब्बास